अस्सलाम वालेकुम। लवबर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्ड्स को ब्रेड का यूज़ कितना करवाना चाहिए। और कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल है कि कहीं ब्रेड खिलाने से बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है, कहीं उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होती। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, ब्रेड जो होती है ना, ये वीट से बनती है, ठीक है। वीट जो है वो हम भी खाते हैं, बर्ड्स वगैरह भी खाते हैं। तो ब्रेड जो है नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती इनके लिए, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको देते हैं बर्ड्स को तो फिर हो सकता है कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप थोड़ी बहुत यूज़ करवाते हैं तो फिर जो है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके अलावा जो ब्रेड्स जहाँ पे बनती है, ठीक है ना, वहाँ पे ब्रेड बनाने के दौरान जो बेकरी वगैरह में जो कुछ चीज़ें वगैरह इसके अंदर ऐड करते हैं, वो हो सकता है कि बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका वो सही तरह से उसको डाइजेस्ट ना कर सकता हो, जो इसके अंदर बेकिंग के प्रोसेस में यूज़ होती हैं एडिशनल चीज़ें। क्योंकि हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बर्ड से, ठीक है। तो हम लोग तो ब्रेड को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हमें तो ये फ़ायदा देती है, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए अगर आप इसको मेन फूड के तौर पे देंगे बर्ड्स को, तो फिर हो सकता है कि उनमें कोई एनर्जी की कुछ कमी आ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो। तो लेकिन अगर थोड़ी सी आप देते हैं, इनको ट्रीट के तौर पे देते हैं, ठीक है ना। मैं तो हफ्ते में इन ब्रेड को जो है ना 2-3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देता इनको, ठीक है ना। मैं मेन फूड के तौर पे नहीं देता, मैं इनको सिर्फ ट्रीट के तौर पे देता हूँ। तो मेन फूड के तौर पे तो मैं इनको दाना ही देता हूँ, क्योंकि ये बर्ड्स हैं तो दाना वगैरह इनका जो है ना मेन फूड है, ठीक है, जिसमें सीड मिक्स डाइट है, बाजरा, कंगनी वगैरह, तो वो तो मैं इनको देता हूँ। तो उसके साथ मैं ये ट्रीट के तौर पे इनको देता हूँ, ठीक है। तो 1 अ वीक, 2 अ वीक या 3 दफ़ा हफ्ते में थोड़ी सी देता हूँ। ये इनकी बहुत फेवरेट है, तो ये फ़ौरन इसको खा लेते हैं। जैसे ही आप डालोगे फ़ौरन खा लेंगे। मेरे बर्ड्स भी फ़ौरन मैं डालता हूँ तो ये फ़ौरन खा लेते हैं। तो इनकी फेवरेट तो बहुत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डालता क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डालूँगा तो मैं समझता हूँ कि ये मेन फूड के तौर पे इसको खाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रेड के फ़ायदे ये होते हैं कि ये एक तो ये जो बच्चे वगैरह देते हैं ना ब्रीडिंग सीज़न में, ठीक है, उस वक़्त तो ये जब बच्चों को फीड कराते हैं तो ये नरम ग़िज़ा है, बच्चे ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब आप ब्रेड डालेंगे तो उससे ये फ़ौरन खाएंगे और जाके बच्चों को फीड कराएंगे, ठीक है। सॉफ्ट फूड है, बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा ये ट्रीट के तौर पे है क्योंकि इनकी फेवरेट है, तो ये इनको मैं डालता हूँ। तो इसके अलावा मैं इनको जो है ना ये ब्राउन ब्रेड डालता हूँ, ठीक है। तो वाइट ब्रेड चूँकि हम घर में जो यूज़ करते हैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, तो कुछ पीस जो है मैं उसमें से लेके तो इनको मैं डाल देता हूँ। तो मैं आप दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपने इनको जो है ये डालनी है ब्रेड। ब्रेड को आपने गीला करके डालना है इनको, ताकि ये अच्छी तरह से खा लें। थोड़ा सा गीला करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ कितना गीला करना है, बस इतना आपने गीला कर लिया। दोनों साइडों से मैं गीला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फ्रंट से गीला कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा गीली करूँगा तो फिर ये बिल्कुल ही नरम हो जाएगी और फिर जो है इसमें वो बात नहीं रहेगी। तो मैंने इसको गीला कर लिया है, अब मैं परिंदों को डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बजीज़ आ गए हैं और ब्रेड को खा रहे हैं। अभी मैंने डाली है और फ़ौरन ही आए हैं, उसी वक्त आए हैं और खाएँ। और अभी ये 5 मिनट में जो है ना ये इसको ख़त्म कर देंगे, ये इतनी इनकी फेवरेट है। तो ये आप ब्रीडिंग सीज़न में अंडे के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं, एग फूड के साथ। तो वो अंडा तो मैं आजकल नहीं डाल रहा क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। तो जब मैं इनको अंडा डालूँगा तो फिर मैं ब्रेड जो है वो अंडे के साथ मिक्स करके भी इनको दिया करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ब्रेड को यूज़ करवाने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।